और खबर उत्तर प्रदेश के मैनपुरी से है, जहां पर घर के बरामदे में सो रही एक महिला मृत अवस्था में पाई गई है। महिला को देखने से लगता है कि किसी ने महिला की धारदार हथियारों से गला रीतकर हत्या की है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मृतका के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। तो वहीं मृतका के पुत्रों ने हत्या करने की बात कही है। वहीं घटना का निरीक्षण करने पहुंचे जिले के आला अधिकारियों ने कहा कि साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई की जा रही है और जल्द ही हत्या के आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पुलिस इस पूरे मामले की जाँच पड़ताल कर रही है। माँ की हत्या कर दी है। अच्छा, किस स्थिति में बॉडी मिली उनकी? मरी हुई मिली थी उनको। अच्छा, क्या उम्र रही होगी और नाम क्या है उनकी? उनका नाम शारदा देवी है, उम्र लगभग 70-72 साल होगी। मेरी माँ की मौत कर दी। किसने? कोई पता नहीं, कोई जानकारी नहीं है। आप लोगों को कितने बजे जानकारी हुई? वही 4 के ऊपर नीचे 5 सुबह 4 बजे। क्या लगता है कोई रंजिश वगैरह रही होगी या कोई गांव किसी रंजिश आई नहीं? अच्छा, माता जी के नाम खेती वगैरह कुछ थी? खेती वगैरह थी क्या? 4:30 बजे तो हम लोगों के पिताजी अक्सर हो चुके, तो उन्होंने पहले बच्चों में खेती करा दी थी। ये थाना बेवर के किल्ली पखौरा गांव है, जहाँ एक 70 वर्षीय वृद्ध महिला है शारदा देवी। ये अपने घर के बरामदे में सो रही थी, तो रात में किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा इनके गले में धारदार हथियार से चोट पहुंचाई गई है, जिसमें इनकी मृत्यु हो गई है। इनके लड़के मंजेश की तहरीर पर 302 का अभियोग पंजीकृत किया गया है। बॉडी का पंचायतनामा पोस्टमार्टम कराया जा रहा है और घटना के अनावरण के लिए 3 टीमों का गठन किया गया है, जिसमें हमारी स्वाट, सर्विलांस और थाने की पुलिस लगी हुई है। इसका शीघ्र अनावरण।